खबर जो मिल रही है वो आपको बताएं, टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई पनडुब्बी से जुड़ी हुई है बड़ी खबर है। लापता टाइटन पनडुब्बी की तलाश अब और तेज कर दी गई है। पनडुब्बी में करीब 15 मिनट की ऑक्सीजन बाकी है, अगले 15 मिनट में पनडुब्बी की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। जिस लापता पनडुब्बी को अमेरिका और कनाडा ढूंढ रहे हैं उसमें मौजूद ऑक्सीजन अब बस खत्म ही होने वाली है। भारतीय समय के हिसाब से आज शाम 4:30 बजे तक की पनडुब्बी में ऑक्सीजन बची हुई है। अब ऐसे में सर्च ऑपरेशन में लगी हुई टीम के पास वक्त बेहद कम बचा हुआ है, मात्र 15 मिनट का समय। हालांकि अटलांटिक महासागर में सर्च ऑपरेशन अब भी चल रहा है। आपको बता दें कि पनडुब्बी में 5 लोग सवार थे और सिर्फ 15 मिनट की ऑक्सीजन बची है, यानी कि भारतीय समय के हिसाब से 4:30 बजे तक। समंदर में ऑपरेशन जिंदगी, पल पल डूबती सांसें, लापता टाइटन की तलाश जारी। टाइटैनिक के पास टाइटन की जल समाधि, कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद जीवन का सहारा है। तभी तो अमेरिका और कनाडा 5 लोगों की जिंदगी बचाने के मिशन पर हैं। ये तस्वीरें हैं अटलांटिक महासागर की, जहां पानी के जहाज और एयरक्राफ्ट एक ही चीज की तलाश में हैं, और वो है टाइटन सबमरीन। टूरिस्ट पनडुब्बी अटलांटिक ओशियन में 3,800 मीटर की गहराई में लापता हो गई थी, जिसकी तलाश लगातार जारी है। इस बीच सभी को इस बात का डर है कि पनडुब्बी में बहुत कम ऑक्सीजन बची है। वक्त के साथ जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, उम्मीद कम होती जा रही है। सर्च ऑपरेशन में शामिल लोगों ने दिन रात एक कर दिया है। Crews are working around the clock to ensure that we are doing everything possible to locate the Titan and the 5 crew members. जब पनडुब्बी से संपर्क टूटा था तब कहा गया था कि पनडुब्बी में सिर्फ 4 दिनों की ही ऑक्सीजन बची है। गायब टाइटन पनडुब्बी के क्रू का समुद्र के ऊपर मौजूद उसके जहाज पोलर प्रिंस से रविवार को संपर्क टूट गया था। 1 घंटे 45 मिनट में ही संपर्क टूट गया था। टाइटन में सवार 5 लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इस बीच सर्च ऑपरेशन में शामिल कनाडा के हवाई जहाज को पानी के अंदर शोर सुनाई दिया था। आवाज आने की खबर को अच्छी खबर के तौर पर देखा जा रहा है। It'd be different, but it's a different sort of material, so it's not going to resonate like the steel would, and so I don't know actually, but the fact they've heard it is encouraging. इस बड़े ऑपरेशन में अमेरिका और कनाडा की एजेंसियों के अलावा नौसेना, गहरे समुद्र में उतरने वाली कंपनियां भी लगी हैं, जो सैन्य विमानों, पनडुब्बियों और सोनार बॉय मशीनों से पनडुब्बी की खोज कर रही हैं। पनडुब्बी में सवार 5 लोगों के लिए दुनिया भर में दुआएं हो रही हैं। तो चंद मिनटों बाद पनडुब्बी में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। हालांकि 5 जिंदगी की तलाश में समंदर में सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल, ये सर्च ऑपरेशन अब भी चल रहा है। सभी अटलांटिक महासागर में 111 साल पहले डूबे टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने पहुंचे हुए थे। टाइटन सबमरीन के शुरू होने से लेकर अब तक की पूरी कहानी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इस वक्त 5 जिंदगी समंदर की गहराई में फंसी हुई है। इन्हें बचाने के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि हालात ही इतने खराब और चुनौतियों से भरे हुए हैं।
ये पांचों लोग समंदर में 3,800 मीटर की गहराई में खो गए हैं। ये पांचों एक पनडुब्बी टाइटन में सवार हैं और अब उनका बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। क्या इन पांचों को बचाने के लिए ये ऑपरेशन कामयाब हो पाएगा? वक्त के साथ जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, उम्मीद कम होती जा रही है। जो पांच लोग इस पनडुब्बी में फंसे हुए हैं, उनमें से चार अरबपति पर्यटक हैं, जबकि एक सबमरीन ऑपरेटर है, और ये सब इस वक्त समंदर में 3,800 मीटर की गहराई में है। इनमें पाकिस्तानी ब्रिटिश कारोबारी शहजादा दाऊद हैं, उनका बेटा सुलेमान है, ब्रिटेन के बिजनेसमैन हैमिश हार्डिंग है, उन्होंने भारत में चीतों को लाने में मदद की थी। इनके साथ ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश मौजूद हैं, वही इस पनडुब्बी के मालिक भी हैं। पनडुब्बी के ड्राइवर पॉल हेनरी फ्रांस से हैं। We've established a unified command with the United States Navy, with the Canadian Armed Forces, with the Canadian Coast Guard, and with the private operator Ocean Gate Expeditions. ये फुटेज टाइटन सबमरीन की है। इसमें एक बार में पायलट समेत पांच लोग सवार हो सकते हैं और समंदर में हजारों मीटर की गहराई तक जा सकते हैं। इस वक्त टाइटन में सवार पांचों लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, बहुत गौर से समझिएगा। ये सभी अटलांटिक महासागर में 111 वर्ष पहले डूबे टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए हैं। वही टाइटैनिक जो 10 अप्रैल 1912 में ब्रिटेन से अमेरिका की यात्रा पर निकला और रास्ते में डूब गया था, वो उसका पहला सफर था और वही उसकी अंतिम यात्रा साबित हुई। उस जहाज पर 1997 में फिल्म भी बनी जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता और वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। तब से इस जहाज का मलबा भी दुनिया को अपनी तरफ खींचता आया है। ये मलबा समंदर में 3,800 मीटर की गहराई में पड़ा हुआ है। इस गहराई को समझना है तो अंदाजा लगाइए कि दुबई की बुर्ज खलीफा जितनी ऊंची बिल्डिंग को 4.5 गुना और लंबा किया जाए। बुर्ज खलीफा की हाइट 828 मीटर है। ऐसी चार इमारतों से भी ऊंची इमारत हो तब जाकर समंदर की इस गहराई को मापा जा सकता है। भारत में कुतुब मीनार की मिसाल दी जाए तो ऐसी 52 मीनार एक के ऊपर एक खड़ी की जाए तब जाकर 3,800 मीटर की गहराई समझी जा सकती है। कुछ घंटे बाद जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी की आधिकारिक मुलाकात, राजकीय सम्मान के साथ होगा स्वागत, अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी के स्टेट डिनर के लिए व्हाइट हाउस तैयार, डिनर में बाजरे की बनी खास डिश होगी शामिल, खुद जिल बाइडेन कर रही हैं देखरेख। पीएम मोदी ने जिल बाइडेन को गिफ्ट किया ग्रीन डायमंड, जो बाइडेन को भी सोने का सिक्का और गणेश की चांदी की मूर्ति तोहफे में दी, बाइडेन ने भी पीएम मोदी को गिफ्ट किया कैमरा।